के पोषक बापू का स्मरण करते हैं, अंग्रेजी ताकत के आगे सशस्त्र अहिंसा रख देते हैं, डंडी मांस सत्याग्रह का हुंकार सदा भर देते हैं। कविता की इन चंद पंक्तियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए आज दांडी यात्रा की ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण समापन कार्यक्रम में उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मंच में उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, सिक्किम से आए हुए मेरे मंत्रिमंडल के साथियों और माननीय विधायकगण, सिक्किम के लोकसभा सांसद श्री इंदहांग सुब्बा, गुजरात प्रदेश के मुख्य सचिव, अन्य उच्च पदाधिकारीगण और साबरमती आश्रम के संरक्षणगण, दांडी यात्रियों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए देशभक्त सहयात्रीगण, सिक्किम से आए हुए विद्यार्थी, सांस्कृतिक टोली और प्रेस और मीडिया के सभी मित्रों लगाए आयोजकगण, दांडी यात्रा में सहभागी होने आए सभी देशभक्त श्रेष्ठ जन को मेरा अभिवादन एवं हार्दिक नमन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दांडी यात्रा का शुभारंभ 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से दांडी तक का पथ यात्रा का आयोजन किया गया है। मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर मिला, जो मेरे लिए अति गर्व की बात है। मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। अहिंसा मानव के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यही आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार को अधिक शक्तिशाली है। गांधी जी के इन्हीं अमूल्य वचनों के साथ मैं दांडी की पवन भूमि में अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता हूँ। इस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह में गांधी जी समेत बहुत लोगों की सहभागिता थी, जहाँ इन लोगों ने साबरमती आश्रम से समुद्र तट गांव दांडी तक 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद में हुई थी। इस आश्रम के द्वारा जनता के आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्र की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। दांडी मार्च आंदोलन आज भी हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हौसला और शक्ति प्रदान करता है, जो प्रजातंत्र की आधारशिला है। परंतु जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो नक्सली हमले में भारतीय वीर जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ऐसे देशद्रोही ताकतों का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को दी गई इस दांडी यात्रा की अवधारणा को तहे दिल से मैं सलाम करता हूँ। हम समृद्ध भारत के एक ही परिवार के सदस्य हैं। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब भारतीय हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत विकास के मार्ग में अग्रसर है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हमारा देश भारत विश्व के सर्वशक्तिमान देश के रूप में उभर कर आएंगे। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यहाँ एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। गांधी जी के उक्त कथान को साकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र दिया है, उसे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नए आयाम की शुरुआत हुई है, जिसे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ने में मदद मिली है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की इसी विचारधारा को सिरोद्धार कर प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना,
निर्यात क्षमता में वृद्धि करना, विदेशी उद्यमी को निमंत्रण करके देश को प्रगति के मार्ग में ऊंचाई तक ले जाना है। भारतीय रक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग तेजस विमान का विकास मेक इन इंडिया योजना की प्रमुख उपलब्धि मानी गई है। इसके साथ ही विश्व को हिला देने वाली कोरोना महामारी के विरुद्ध जिस टीके का विकास भारत ने किया है उसे भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के देन मानी गई है। मेक इन इंडिया योजना के कारण भारत ने अपने आप को विश्व में सफल राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, कोरोना रोधी टीका विकसित किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपार योगदान प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को हम भारतवासी एकजुट होकर समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण का प्रण लेते हैं। उनके इस सपनों को साकार कर एक अति विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को आगे ले जाएंगे। देश की अखंडता, स्वप्रभुता और आत्मनिर्भरता यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए जीवन समर्पित होना चाहिए। हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को सफल बनाकर एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। हिमालय की गोद में बसे सुंदर एवं शांत सिक्किम के लोग महात्मा गांधी जी के पथ चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। गांधी जी के प्रमुख दर्शन में से मुख्य रहे पंचायती राज और स्वायत्तता को सिक्किम के लोगों ने हृदय से ही अंगीकार किया है। स्वायत्तता के प्रति सिक्किम के लोग जितने संवेदनशील है उतने ही दिल के भी स्वच्छ है। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए सिक्किम वासी सदैव अग्रसर रहे हैं और अहिंसा, प्रेम, भाईचारा तथा आत्मिक संबंध में सदा विश्वास रखते हैं। सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में एक अभिन्न अंग बना और उसके बाद सिक्किम वासियों में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी है। देश के प्रति राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय गौरव में गहरा विश्वास है। हमारा देश भारत सिक्किम वासियों का आन बान और शान है। यहाँ उनकी पहचान और स्वाभिमान है। जिस प्रकार दांडी भूमि देश के पावन भूमि के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार सिक्किम ने भी जैविक खेती और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। यहाँ भारत का पहला जैविक राज्य है। हाल ही में सिक्किम को फिल्म के लिए अनुकूल उत्कृष्ट वातावरण तथा समृद्ध स्थान का अवार्ड भी मिला है। छोटा मगर शांत, सुंदर और समृद्ध राज्य सिक्किम देश के साथ साथ प्रगति के पथ पर चल रहा है। इस दांडी यात्रा में सहभागी होने के लिए सिक्किम से लगभग 120 सदस्य की टोली आई है, जिसमें छात्र वर्ग, सांस्कृतिक दल, मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य विभिन्न पदाधिकारीगण मौजूद है। रघुपति राघव राजाराम पतिता पावन सीताराम को मूल मंत्र बनाकर चलने वाले साबरमती के शांता महात्मा गांधी जी ने बिना अस्त्र शस्त्र से हमें आज़ादी दी है। भयंकर आदि में भी महात्मा गांधी जी की मशाल बुझी नहीं, जलती रहे। उनको पूर्ण नमन करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलने का हमें मार्गदर्शन देने वाले अति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी को कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। माननीय गुजरात के राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और गुजरात की सारी जनता को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय गुजरात, जय सिक्किम। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप
इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।